गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम यू ऑल अगेन। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में CFT लगा के देखेंगे, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाएंगे ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। सो वेलकम यू ऑल गाइस, आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बड़े ध्यान से चेक करना है, क्योंकि आज मैं ओक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कवर करा दूंगा। किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, यहां पर स्प्लिटिंग कैसे होती है, उसका आइडिया मैंने कल आपको दिया था, आज हम लोग उसको एक बार फिर से चेक करेंगे और आने वाली सारी चीजों को मैं क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज, लव यू ऑल गाइज। एंड यहां पर जितने लोग भी मुझे दिख रहे हैं, एक बार मैं उनका नाम ले देता हूं ताकि मुझे मालूम पड़ जाए और उनको भी पता लग जाए कि यहां सबको सिंक्रनाइज है, ठीक है। सो मैं बहुत अच्छा हूं। सोबन ने पूछा अभी, शिप्रा यहां पर है, मोगल है, खुशी, हिमांशु, शोभा, नेहान, आकाश, आमिर, मुनीब, हर्ष, जैसलीन, ओके जसलीन, शिप्रा, अमृता, सोवन, संजू, पायल, बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस। मैं बिना बताए आ जाता हूं, लेकिन आप लोग इतने प्यारे हैं कि आप लोग बस, आपको नोटिफिकेशन मिलता और आप मेरी क्लास लेने आ जाते हो। थैंक यू सो मच। और मैं आपको पक्का कहता हूं, मैं आपको आज के इस लेक्चर में निराश नहीं करूंगा, मजा आ जाएगा आपको। वैसे मैं कभी करता नहीं हूं, लेकिन आज भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें देखने और सुनने को मिले। अमर, अंकित, रंजन, रूबी, शीतल, सब लोग मोस्ट वेलकम। मतलब इसने किसी ने बोला कि सर मेरा नाम ले दो, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज। निर्भय, वॉइस, अजय, रितिका, आशीष, संजू, बहुत वेलकम हो भाई सब लोगों को। सो चलो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जैसे कि सामने मेंशनड है, CFT अगेन फॉर ओक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। तो आज की चीजों को बहुत ध्यान से समझना, हम लोग शुरू करते हैं। अपना टाइम आ चुका है, आप लोग कॉपी पेन ले लो और बस बैठ जाओ और पढ़ने को राजी रहो और तैयार रहो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो नाउ CFT फॉर ओक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, जितने भी ओक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर हम लोगों को CFT लगा के देखनी है। सबसे पहले तो कल मैं क्लैरिफाई कर चुका था आप लोगों को, आज मैं एक स्लाइड के थ्रू और आपको बता दूंगा कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में स्प्लिटिंग कैसे होती है, वो मैंने कल आपको बताया था, और उसमें कौन से ऑर्बिटल्स ऊपर जाते हैं। सब लोग मुझे चैट सेक्शन में बताओ, सब लोग मुझे बताओ कि चैट सेक्शन में अगर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है तो डी ऑर्बिटल में से कौन से ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं, बताइए सब लोग, याद है क्या किसी को? वो जाते हैं ईजी वाले। ईजी वाले मतलब dx²-y² and dz² वाले ऊपर जाते हैं, बहुत बढ़िया, एक्सिस वाले जाते हैं। उसको मैं अभी आज फिर से क्लैरिफाई करूंगा, ध्यान से नोट करते रहना, ठीक है। सो आज हम लोग ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए देखने वाले हैं CFT कैसे लगाई जाती है। सबसे पहले तो देखो, ये रहा ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ध्यान से उसको चेक करना। नाउ दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, वी ऑल नो, जिसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक तो बना हुआ है स्क्वायर, उसमें एक लिगेंड नीचे और एक लिगेंड ऊपर है। अब यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होता है उसमें सबसे बढ़िया बात क्या होती है, देखिए आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से इस पोजीशन को, ये देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, ये हमारे पास, ये जो आपके पास एक्सिस दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये लिगेंड आप देखोगे तो उसकी पोजीशन को क्या नाम देंगे, दिस इज एक्सियल पोजीशन। वी ऑल नो दिस इज एक्सियल पोजीशन ऑफ लिगेंड, क्योंकि वो एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सियल पोजीशन हो गई। और अगर आप ध्यान से इधर देखोगे, जो लिगेंड यहां पर होगा, लुक एट इट, जो लिगेंड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन, इसको हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओके। सो एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ दीज आर कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन, जो कि स्क्वायर में है, ये जितनी भी आपको स्क्वायर में दिखेगी वो इक्विटोरियल पोजीशंस हैं, और जो ऊपर और नीचे आपको दिखाई दे रही है बेसिकली वो आपके लिए एक्सियल पोजीशंस हैं। तो एल और एल वाली एक्सियल है और बाकी सब इक्विटोरियल है। मजे की बात देखिए, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में आप याद रखिएगा कि इसमें एक्सियल पोजीशन वाला एंड इक्विटोरियल पोजीशन वाला, एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल पोजीशन की जो लेंथ होती है, लेंथ इक्वल होती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सियल पोजीशन की जो लेंथ होती है ये बॉन्ड लेंथ, और इक्विटोरियल पोजीशन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनमें तो इक्वल होती है लेकिन सभी में इक्वल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये लेंथ आपको इक्वल मिलेगी ऑक्टाहेड्रल के केस में, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, एक्सपेरिमेंटली ऐसे पता लगाए। और एंगल कितने होते हैं सब? 90 डिग्री के होते हैं। मजे की बात देखो, इसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, इसको हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन बोलते हैं, हमने वो देख लिया। नाउ लुक एट इट, हेयर
टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एक्सियल एंड इक्विटोरियल एंड दीज आर एक्चुअली इक्वल मेंशनड है. एवरी एक्सियल एंड इक्विटोरियल जो लेंथ होती है बॉन्ड की फॉर ऑक्टाहेड्रल इज परफेक्टली इक्वल. बट अगर हम लोग यहां पर बात करें किसकी, सब लोग नोट डाउन करो, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो उस केस में एक्सियल लेंथ इक्विटोरियल से ज्यादा होती है. मैं बना के दिखा देता हूं, पर आप ये नोट लगा के लिख लो. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का मतलब क्या है, ये रहा ट्राइगोनल और बाईपिरामिडल ये रहा, जरा चेक करो, ये दो पिरामिड, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, ये आपके पास मेटल हुआ और ये लिगेंड है, और आपके पास एक्सियल पोजीशन और इक्विटोरियल पोजीशन पे इस तरह से लिगेंड लगेंगे. नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन. इस केस में एक्सियल लेंथ जो होती है, एक्सियल लेंथ वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल. लुक एट इट, इस केस में जो एक्सियल लेंथ होती है वो इक्विटोरियल से ज्यादा होती है, मतलब ये वाली लेंथ ज्यादा होगी, ये वाली लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस लेंथ. ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सब लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहना. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें एक और नोट लगवा रहा हूं आपको, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के केस में एक्सियल लेंथ इक्विटोरियल से ज्यादा होती है, जबकि अगर हम लोग बात करें पेंटागोनल बाईपिरामिडल की, अगर हम लोग पेंटागोनल बाईपिरामिडल की बात करें तो उस केस में इक्विटोरियल की लेंथ एक्सियल से ज्यादा होती है. ये नोट लगा के आप लोग लिख लो, आपको भरसक काम आएंगे आपके एग्जाम में. पेंटागोनल बाईपिरामिडल का मतलब क्या है, मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखा देता हूं, सब लोग यहां पर देखिएगा. पेंटागोनल बाईपिरामिडल का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल का मतलब हो गया, यहां पर होगा मेटल, ये हमारे पास कौन सी पोजिशन हो गई, ये हमारे पास हो गई इक्विटोरियल पोजीशंस, और ये हमारे पास कौन सी हो गई, एक्सियल पोजीशंस. सो ये एक्सियल पोजीशन पे हमने लिगेंड लगा दिए, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे हमने लिगेंड लगा दिए. इक्विटोरियल पे पांच लिगेंड लगेंगे. अब आप खुद से ही दिमाग लगाओ, ऑब्वियसली इसके अंदर इक्विटोरियल की जो लेंथ होगी वो एक्सियल से ज्यादा होगी. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो सब लोग नोट डाउन लगाओगे, आप ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल के केस में एक्सियल और इक्विटोरियल बराबर होते हैं. ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के केस में एक्सियल वाली इक्विटोरियल से बड़ी होती है, एंड पेंटागोनल बाईपिरामिडल के केस में इक्विटोरियल एक्सियल से बड़ी होती है. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3, ये ध्यान रखना है इस चीज का. अब हम चलते हैं आगे. तो ये तो हमारे पास आज हमने स्ट्रक्चर्स में एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशंस देख ली, ये भी चेक कर लिया कि ऑक्टाहेड्रल केस में एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हरीश कुमार ने कहा सर मेरा नाम ले लेना, तो हरीश कुमार मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है. अब हम चलते हैं आगे. कल हमने ये भी देखा था कि ओवरऑल डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, टोटल 5, और वो सारे के सारे होते हैं डी जनरेटेड. उसमें जो दो ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से, डी जेड स्क्वायर ये वाला एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. So, dx square, y square और dz square, ये दोनों doubly degenerated होते हैं, मतलब ये दोनों जो orbitals हैं basically वो axis के ऊपर होते हैं. अब आपको पता है कि dz square z axis के ऊपर होता है, dx square, y square x और y axis के ऊपर होता है. डायग्राम देख लो, ये हमारे पास x axis हो गया, ये y axis हो गया, और ये doubly यहां पर डबल डंबल की शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, dx square, y square. इन दोनों को कंबाइन बेस से हम लोग क्या बोलेंगे, eg. ये हमने कल देख लिया था, डायग्राम बना लेना इसके. इसी तरह से होते हैं T2G में कौन कौन से होते हैं, एक तो XY टर्मिनल, XY एक्सिस के बीच में, YZ एक्सिस के बीच में, ZX एक्सिस के बीच में, तीन यहां पर डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं. इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये रहे, इसको बना लीजिए. YZ Y और Z एक्सिस के बीच में लोब्स होंगे, XY XY एक्सिस के बीच में लोब्स होंगे, ध्यान रखना ऊपर नहीं है ये, बीच में लोब्स हैं. एंड यहां पर है x और z, तो xz एक्सिस के बीच में लोब्स होंगे. तो यहां पर टोटल आपको तीन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनके लोब्स एक्चुअली एक्सिस के बीच में लाई करते हैं. इस चीज को समझ लीजिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, जिसको समझ में नहीं आता, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों का फर्क समझा देता हूं. एक्चुअली यहां पर डी एक्स वाई डी का ऑर्बिटल है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी डी का ऑर्बिटल है, डी सब चल के ऑर्बिटल है दोनों, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखो यहां पर अब सपोज करो कि ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो
तो ध्यान रखिएगा dxy के जो लॉब्स होंगे वो x और y के बीच में होंगे, ये वाला, ये जो बना रहा हूं बीच में वो ये है, कौन सा वाला, ये जो बनाया है मैंने वो है dxy ऑर्बिटल। सबको समझ में आता है dxy ऑर्बिटल कौन सा है जिनके लॉब्स x और y टर्मिनल के बीच में है। ये जो गेंदे का फूल दिख रहा है ना आपको, ये वाला गेंदे का फूल, ठीक है ना। अब गेंदा है कि क्या है वो आप डिसाइड करोगे। ये सारे के सारे आपको जो बीच में दिखाई दे रहे हैं x और y एक्सिस के बीच में वो है एक्स वाई, लेकिन अगर आपको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना है तो एक्चुअली बनेगा मेरे प्यारे बच्चों किस पर, उनके लॉब्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे। ये ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं वो आपको कौन से वाले हैं, ये ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके लॉब्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं वो है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मजे की बात है, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले वाले जो है वो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आते हैं, जिनको हम लोग ईजी कहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर। दूसरे वाले हमारे पास कौन से हैं, टी टू जी वाले, जो एक्सिस के बीच में आते हैं, जिनको हमने कल भी देखा था। मजे की बात यह है कि अगर कोई लिगेंड, मजे की बात यह प्यारे बच्चों की अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो इन सबका एनर्जी सेम है। क्लियर हो गया, सेम एनर्जी होती है अगर कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है तो, सेम एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा आप। सारे के सारे ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं, उनको डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं हम लोग। ध्यान से इसको चेक करेगा, ये हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, सबकी एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा, जैसे ही यहां पर लिगेंड अप्रोच करेगा, यहां पर क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो जैसे ये मेटल और छह लिगेंड अप्रोच करेंगे ऑक्टाहेड्रली, तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। उसी को हम लोगों को यहां डिफाइन करना है, जरा ध्यान से उसको चेक करो। इसके पहले आप जरा सोचो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि स्प्लिटिंग कैसे हुई। चेक करेगा बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि एमएल सिक्स टाइप का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ जिसमें एक मेटल है और छह लिगेंड है, तो आप कैसे बनाओगे, ये रहा एक दो तीन चार पांच और एक छह, सबको दिखाई दे रहा है। अब आप जरा चेक करिएगा, ये तो हो गए आपके किसके अंदर, लुक एट इट, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में डाल दिया, जिसमें ये तो हो गए स्क्वायर में, एक ऊपर और एक नीचे। अब बेसिकली अगर आप ध्यान दो कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जो कि मैंने कल भी बताया था, अगर कोई बच्चे नए हैं तो ध्यान से देख लो, आप इन लिगेंड्स को कहां कहां लगाए हो। अगर मैं बोल दूं कि ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये वाला z एक्सिस हुआ। तो बेसिकली आप लिगेंड देखो कहां से अप्रोच कर रहा है, एक्सिस के ऊपर से। अगर लिगेंड एक्सिस के ऊपर से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ये x एक्सिस है, तो ऑब्वियसली ये उल्टा वाला क्या हुआ, x डैश। ये z एक्सिस है तो ये वाला कौन सा हुआ, z डैश। ये y एक्सिस है तो ये कौन सा हुआ, y डैश। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब जो लिगेंड है बेसिकली वो एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के अलोंग मेटल को अप्रोच कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कल भी समझाया था। अब जब मेटल को अप्रोच करने के लिए वो एक्सिस का सहारा ले रहे हैं, तो इस मेटल के वो डी ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के ऊपर होंगे, कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले, याद करो, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं बेसिकली, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये वाला डी जेड स्क्वायर। लुक एट इट, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वालों में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, और रिपल्शन क्योंकि लिगेंड यहां से आ रहा है, और लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो ये जो डी ऑर्बिटल है जो कि एक्सिस के ऊपर है, उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। ज्यादा होगा रिपल्शन, इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस वजह से इनको आपको क्या करना है, ओवरऑल यहां पर ध्यान रखिएगा, जिस वे से अभी मैंने बताया उस वे से आपको इनको स्प्लिटिंग करनी है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एम एल सिक्स को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकती है, sp3 d2 बन सकती है, d2 sp3 बन सकती है, ये हम पहले देख चुके हैं। इसमें जो d ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हैं वो कौन से है, वो भी मैंने आपको पहले बताया था, कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमने क्लास में पहले ही पढ़ लिया था। इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वही ऑर्बिटल्स का एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पर इफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है। नाउ टू मेक सिग्मा बॉन्ड लिगेंड विल अप्रोच अलोंग द एक्सिस, यही मैंने आपसे कहा था।
सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहा है, तो बेसिकली एक्सिस पर जो प्रेजेंट डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें रिपल्शन मैक्सिमम होएगा, ये नीचे लिखा भी हुआ है, और एक्चुअली वही डी ऑर्बिटल्स ऊपर की तरफ लाई करेंगे। अब कैसे लाई करेंगे, नाउ लुक एट इट, ओवरऑल टोटल कितने लिगेंड हैं, ओवरऑल टोटल कितने डी ऑर्बिटल्स हैं, पांच, देखो 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को, ये पांचों के पांचों जब तक हमारे पास लिगेंड नहीं था ये पांचों के पांचों डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स थे। डी जनरेटेड मतलब नो लिगेंड, डी जनरेटेड मतलब सबकी एनर्जी सेम है, ध्यान से समझना, सबकी एनर्जी सेम है और ये सारे के सारे डी जनरेटेड हैं। लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, ये पांचों की जो एनर्जी है एवरेजली यहां शिफ्ट हो गई। अब आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है, यही मजेदार बात है, ध्यान से समझना, मैंने बोला एवरेजली जितने भी पांच ऑर्बिटल हैं उनकी एवरेज एनर्जी यहां लाई करेगी। दोबारा समझो, डी ऑर्बिटल जब तक लिगेंड प्रेजेंट नहीं था वो यहां पर प्रेजेंट थे, जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया इन डी ऑर्बिटल्स की एवरेज एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि लिगेंड ने अप्रोच किया रिपल्शन बढ़ गया, इनकी एवरेज एनर्जी बढ़ गई। अब मजे की बात देखिए, इन पांचों में से कुछ जाएंगे ऊपर और कुछ जाएंगे नीचे। नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ मजे की बात देखिए, उसमें से सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको फील हुआ, सबसे ज्यादा रिपल्शन फील हुआ डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये दो ऑर्बिटल चले गए ऊपर। Now this seems really very interesting, जो बहुत कम बच्चों को पता है, ध्यान से समझना इसको, ये without ligand थे, average energy with ligand यहां तक पहुंच गई, इतनी up हो गई, उसमें से सबसे ज्यादा repulsion feel हुआ इनको, तो ये दोनों तो चले गए ऊपर, ठीक है, और कम repulsion feel हुआ इन तीनों को, तो ये तीनों निकल के आ गए नीचे। इसका मतलब EG वाले ऊपर बनेंगे एंड T2G वाले नीचे बनेंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब यहां से चीजों को समझना शुरू करना, नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्लियर हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल फील की वजह से यहां पर हो गई है स्प्लिटिंग। अब हमें ये समझना है स्प्लिटिंग को बोलते क्या है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब यहां से खेल आपका एक्चुअली स्टार्ट होगा, इसका मतलब ईजी वाले ऊपर चले गए, टी टू जी वाले नीचे आ गए, ये मैंने आपको कल भी बताया था। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर क्या, सी एफ एस ई। अब आप सोचोगे ये सी एफ एस ई क्या है, तो सब लोग बताइए चैट सेक्शन में कि सी एफ एस ई क्या है। दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी जो आपने स्प्लिटिंग देखी उसमें जो गैप आया है एनर्जी का, उसी को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। आप जरा चेक करो यहां पर, यह डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी यहां तक पहुंच गई, जिसमें से दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए, तीन ऑर्बिटल नीचे आ गए, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है बेसिकली, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप, जिसको हम लोग डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में इनको हम लोग डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा नॉट लिखते हैं। अब हम चलते हैं आगे, इसी को हमें समझना है कि कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो देखो यहां पर ये रहे पांच डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, इसमें से जरा चेक करेगा ये पांचों जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वहां पर हो गई है स्प्लिटिंग, किसकी वजह से, लिगेंड ने जब अप्रोच किया तो स्प्लिटिंग की वजह से दो ऑर्बिटल तो ऊपर चले गए जो हमने देख लिया, वो कौन से हैं, ईजी वाले, तीन ऑर्बिटल नीचे आ गए, वो कौन से हैं, टी टू जी वाले। आया सबको समझ में, बिल्कुल सही बात। फाइनली इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग डेल्टा नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखना यहां पर, जो देखिए कुछ तो ऊपर चले गए कुछ नीचे, अगर आप ऊपर और नीचे का एवरेज निकालोगे तो वो आएगा ये, ध्यान से समझिएगा, लेवल से कुछ लोग चले गए ऊपर, लेवल से कुछ लोग आ गए नीचे, जब आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो निकलेगा ये। एक्चुअली इन दोनों ऑर्बिटल के एवरेज को हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। Now this is really very important. इसको हम लोग बैरी सेंटर कहेंगे। अब सवाल है कि बैरी सेंटर से ये कितने ऊपर गए और बैरी सेंटर से ये कितने नीचे आए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में ही होता है क्योंकि वो रट्टा मारते हैं। मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। ये हमारे पास डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से दो ऊपर चले गए, तीन नीचे आ गए। इन दोनों का जो एवरेज निकल के आएगा वो यही लाई करेगा, क्योंकि कुछ ऊपर गए हैं कुछ नीचे, तो एवरेज यही है।
अब इस एवरेज को ही हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। अब बैरी सेंटर से कितने ऊपर गए और कितने नीचे आए उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सबको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे फाइनलाइज करेंगे जरा चेक करना। टोटल स्प्लिटिंग है डेल्टा नॉट की, तो अब हम लोग क्या करेंगे डेल्टा नॉट की वे से ही इसको डिफाइन करेंगे कि बैरी सेंटर से कितना ऊपर गया और बैरी सेंटर से कितना नीचे आया, ताकि ओवरऑल ऊपर और नीचे जाने वाला जो ओवरऑल एनर्जी गैप है वो सिमिलर होना चाहिए। आप दिमाग लगाना अब इन्होंने क्या किया। देखो यहां पर क्या किया, इस पूरे गैप को उन्होंने नाम दे दिया डेल्टा नॉट। क्लियर होता है, पूरे गैप को डेल्टा नॉट नाम दे दिया। ये है हमारे पास बैरी सेंटर। अब इन्होंने क्या किया, इस बैरी सेंटर को जीरो माना, बैरी सेंटर को जीरो माना गया। अब जीरो से वो कितना ऊपर गए और कितना नीचे आए, ताकि ओवरऑल एवरेज कितना बने, इसका जीरो ही बने। आप एवरेज निकाल रहे हो तो एवरेज का मतलब क्या है, ये इतना ऊपर चला गया, ये इतने नीचे आ गए, इन दोनों का एवरेज ये है। इसको इन्होंने जीरो माना, बैरी सेंटर का एवरेज जीरो। अब आपको क्या करना है, आपको इस वे से दिमाग लगाना है कि ओवरऑल ऊपर जितना गए और नीचे जितना आए उन दोनों का एवरेज जीरो निकल के आना चाहिए। कैसे आएगा वो जरा सोचो, बहुत सिंपल है। यहां पर क्या किया, ऊपर के लिए तो इन्होंने डेटा दे दिया प्लस का 0.6 डेल्टा नोट, और नीचे के लिए इन्होंने डेटा दे दिया माइनस का 0.4 डेल्टा नोट। ओवरऑल जब एनर्जी निकालोगे तो जीरो ही आएगी। कैसे, अब आप जरा सोचो, प्लस के 0.6 डेल्टा नॉट, एक्चुअली कितने ऑर्बिटल गए हैं, दो। चेक करो प्लस के, यहां पर देखो प्लस के 0.6 डेल्टा नॉट तक कितने ऑर्बिटल गए, दो। ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है ये एनर्जी, दैट इज ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा डेल्टा नॉट। 0.6 इंटू 2 इज हाउ मच, 1.2 डेल्टा नॉट, और वो भी कितना प्लस का, यस। अब आप मुझे बताओ कि नीचे कितने आए हैं, यहां पर टोटल नीचे आए हैं माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट, लेकिन कितने ऑर्बिटल नीचे आए हैं, एक दो और तीन, तो तीन से मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल एनर्जी यहां पर कितनी आ रही है, माइनस का 1.2 डेल्टा नॉट। अब आप देखो इन्होंने कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि ऊपर दो ऑर्बिटल गए जिनकी ओवरऑल एक की एनर्जी प्लस का 0.6 है, तो दो की कितनी हो गई, प्लस का 1.2। तीन ऑर्बिटल नीचे आ गए, एक की एनर्जी माइनस का 0.4 है, तो तीन की एनर्जी कितनी हो गई, माइनस का 1.2। ओवरऑल एवरेज निकालो, प्लस का 1.2 माइनस का 1.2 इज इक्वल टू जीरो, आ गया बैरी सेंटर वाला पॉइंट। सिंपल सी बात है, सबको क्लैरिफाई हो गई। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसी वजह से इसको यहां पर स्प्लिटिंग इस तरह से किया गया और इस डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। अब आपको याद क्या रखना है, ठीक है। किसी ने सवाल पूछा, सर डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल टेट्रा एनर्जी क्या होता है। अभी टेट्राहेड्रल आएगा ना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया, छह लिगेंड अप्रोच करेंगे, तो उसकी वजह से जो फील्ड पैदा होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। एंड टेट्राहेड्रल का मतलब सिर्फ चार ही लिगेंड होंगे जो टेट्राहेड्रली अप्रोच करेंगे मेटल को, जिसकी वजह से जो फील्ड पैदा होता है उसको टेट्राहेड्रल फील्ड कहते हैं। इट्स रियली वेरी सिंपल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ओवरऑल आपके पास टोटल 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें से 2 चले जाते हैं ऊपर, ध्यान लगाओ नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 चले आते हैं नीचे। ओके, 3 चले जाते हैं नीचे, और खास बात यह है आपका बैरी सेंटर, बीसी मतलब बैरी सेंटर। ओके, नाउ दिस इज बैरी सेंटर जो यहां पर लिखा भी हुआ है। सो यहां पर मैं भैया ढंग से लिख देता हूं, आजकल बच्चे शरारती हो गए हैं, तो बैरी सेंटर। ओके, सो यहां पर ये है हमारे पास बैरी सेंटर, उसमें से ये ऊपर कितना है देखो जरा, ओवरऑल गैप बराबर होना चाहिए, याद करना आसान है, प्लस का 0.6 डेल्टा नोट ऊपर है, एंड नीचे कितना है, ओवरऑल एनर्जी गैप बराबर आना चाहिए, माइनस का 0.4 डेल्टा नोट नीचे गया है। प्लस का 0.6 इंटू 2 1.2, माइनस का 0.4 इंटू 3 That is obviously 1.2. So, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया, ओवरऑल एनर्जी का गैप एवरेजली जीरो ही है जो हमने बैरी सेंटर का माना। ये आप लोगों को ध्यान रखना। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, सबको समझ में आ गया, सब यहां दांत निकाल रहे हैं उल्लू के पट्टे, ठीक है, अभी ध्यान लगाओ। सो ओवरऑल ये सिंपल सा तरीका है। अब यहां पर काम की चीज सिर्फ इतनी है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्सिस से, तो एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स हैं वो चले जाते हैं ऊपर,
और जो एक्सिस के बीच में है वो ऑर्बिट, और वो वाले ऑर्बिटल कहां चले जाते हैं? नीचे की तरफ। इस तरह से स्प्लिटिंग होती है और इनके गैप का बैरी सेंटर से ओवरऑल, यहां पर बैरी सेंटर से कंपैरिजन करें तो हाइट कितना होगा एनर्जी के वजह से? प्लस का 0.6 डेल्टा नॉट, और नीचे की तरफ कितना होगा? माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट। अब यहां पर आगे वाली चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये डायग्राम आपके सामने आपको अभी क्लियर हो गया होगा। एनर्जी एंड लुक एट इट, एनर्जी अबव एंड बिलो ऑफ द बैरी सेंटर मस्ट बी सेम। एनर्जी ऊपर और नीचे बैरी सेंटर के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इस एवरेज को हमने जीरो माना, तो ओवरऑल इसका ऊपर और इसका नीचे जीरो ही आना चाहिए। अब ये जीरो कैसे आएगा उसका दिमाग आप खुद से लगा के देख लो, मालूम पड़ जाएगा, आप भी यही लिखते। क्लियर हो गया सब लोगों को? नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब हम चलेंगे आगे। आगे वाला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, जो यहां पर लैंग्वेज में भी लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। लिख लिया सब लोगों ने? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1, 2, 3। अब जो चीजें करवा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल एनर्जी मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दी, किस तरह से निकालोगे? 3 × −4, दैट इज 1.2 माइनस वाला, 2 × + का 0.6, दैट इज प्लस का 1.2, तो ये दोनों इक्वल हो गए, एवरेज जीरो आया। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम जो चीजें करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मजे की बात ये है कि इनमें जो गैप होता है, डी ऑर्बिटल्स में जो गैप होता है वो डिपेंड करता है एक तो लिगेंड के ऊपर, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो गैप ज्यादा होगा, और अगर लिगेंड वीक है तो गैप कम होगा, जिसको डायग्रामेटिकली मैं यहां पर समझा देता हूं, और इसको यहां पर लिखा भी गया है, इसको देखो फटाफट से। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? दोबारा देखो, 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो गैप कम है इन दोनों के बीच में। ध्यान से देखो, अगर वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन बताता हूं मनोज, उसी की बारी है, चिंता मत करो, अभी ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखो, अभी अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बेसिकली क्या होगा? गैप कम होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बेसिकली गैप क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक्चुअली यहां पर जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप है वो लिगेंड पे डिपेंड करता है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको मैंने सीधे सीधे बता दी यहां पे। क्लियर होता है? अब हम क्या करेंगे, इनमें एनर्जी को, इनमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखेंगे। यही सवाल थोड़ी देर पहले मुझसे किसी ने पूछा भी था कि यहां पर सर इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं, तो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत आसान है। समझ में आ गया? बहुत आसान है, पर ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल केस में, ये वापस से रिवाइज करा रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल केस में 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे जाते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप बोलते हैं। यहां पर बैरी सेंटर से अगर हम लोग ऊपर जाने वाले को देखें तो वो होगा प्लस का 0.6, और नीचे जाने वाले को देखेंगे तो वो होगा माइनस का 0.4। खास बात, ये गैप उतना ही ज्यादा होगा जितना फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, और ये गैप उतना ही कम होगा जितना लिगेंड वीक होगा। अगर वीक लिगेंड है तो एक गैप कम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो गैप ज्यादा। अब हम चलते हैं कि भैया यहां पर ओवरऑल किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे की बात देखिए, जो कि बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिएगा उसको। सामने एक लाइन लिखी है, मैं उसको अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। देखो क्या लिखा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? जब आपके पास लिगेंड कैसा हो, ध्यान से लाइन को पढ़िए क्या लिख रहा हूं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जब आपके पास ओवरऑल वीक फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी, अगर वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी, गैप ज्यादा नहीं होगा। उस केस में ध्यान से देखिएगा, इस केस में पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा होगी। अब ये पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या है? इट्स रियली वेरी सिंपल, पेयरिंग एनर्जी का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगने वाली एनर्जी, दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगने वाली एनर्जी जो है बेसिकली वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैप। ध्यान से समझिएगा ना, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो मैं गारंटी देता हूं आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा।
कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बच्चों के जैसा है। आप शक्तिमान हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ध्यान से देखना इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। जब आपका वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो आप खुद ही सोचो ना, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो जो आपके जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, 3, 4, 5 बना दिए, उनमें जो 2 ऊपर चले गए और जो 3 नीचे आ गए उनके बीच में गैप बहुत ही कम होगा। ये गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा नोड। ये इतना कम है कि एक्चुअली ये पेयरिंग एनर्जी से भी कम है। पेयरिंग एनर्जी से कम है मतलब, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ पेयर करने में लगने वाली एनर्जी को हम लोग पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। तो इस केस में एनर्जी गैप इतना कम है कि यहां पर पेयरिंग ना होके एक्चुअली एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिलता है। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आप हुंड रूल लगाओ, वो फॉलो करेगा। हुंड रूल क्या कहता था, हुंड रूल ये कहता था कि अगर आपके पास ओवरऑल ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो हुंड रूल के मुताबिक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, बराबर एक इलेक्ट्रॉन बांटो। तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर नहीं होंगे, पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोड से ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, वो हुंड रूल को फॉलो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अभी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको नोट डाउन करो, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और इसको अभी के अभी नोट डाउन करो सब लोग। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा जो कि बहुत ईजी है। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या है, ये तो हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। यहां पर ओवरऑल क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकालने का, दैट इज 0.6 इंटू डेल्टा नोट इंटू ए। ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन ईजी। नोट डाउन करो सब लोग, अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना चाहते हो तो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो जितने आपने ईजी के अंदर भरे हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मल्टीप्लाई करनी है 0.6 से, और जितने आपने T2G में भरे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, माइनस के 0.4 से। इन सब चीजों को मैं अभी लगा के दिखाऊंगा, आप चिंता मत करना, अगर आपको नहीं भी आता तो टेंशन मत लेना, जब तक अरविंद अरोड़ा यहां पर खड़ा है आपको एक एक चीज समझ में आएगी। पहले पर आप ध्यान से देख लो, वीक फील्ड के केस में पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा होती है, इसका मतलब हुंड रूल फॉलो होगा। दूसरा, यहां पर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप अगर आप निकालना चाहते हो तो बहुत आसान है, क्योंकि ईजी वाले 0.6 से ऊपर चले गए, तो 0.6 इंटू डेल्टा नोट, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे वो लिखने, प्लस साथ में D2G के अंदर भी इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो B इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नोट करना है, जो कि बहुत आसान है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है वो आपके सामने लिखा भी है, लेकिन मैंने आपको सिंपल वे से समझा भी दिया कि इलेक्ट्रॉन को पेयर करने में लगने वाली एनर्जी को पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फिर भी अगर आप पेयर करना चाहते हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। इसकी कुछ खासी जरूरत है नहीं, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, जब भी ऑक्टाहेड्रल के केस में वीक फील्ड लिगेंड होगा उस केस में हुंड रूल फॉलो होगा इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, सब लोग ध्यान रखना। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं एक एक करके, तैयार हो ना सब लोग एग्जांपल देखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा होती है तो हुंड रूल फॉलो होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले मैं यहां पर कॉन्फिगरेशन लिखूंगा, यहां पर T2G लिखूंगा। देखो जरा ध्यान से, कॉन्फिगरेशन में क्या हो सकता है, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, बस भर के दिखाऊंगा सबको कि कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, यही रिक्वायरमेंट थी सबकी, सब यही बोल रहे थे डी में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ। ये लो देखो, अगर मान लो डी में 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, 2 है तो क्या करेंगे, ऐसे करके मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ले ली, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या होगा उसको हम लोग यहां चेक करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से समझना, और लिगेंड को ध्यान से देखो कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब वो हुंड रूल को फॉलो करेगा। अब वीक फील्ड आप खुद ही दिमाग लगा लो, वीक फील्ड का मतलब ये होगा कि गैप ज्यादा नहीं है, तो जब गैप ही ज्यादा नहीं है इन तीन के बीच में तो मैं आराम से 1, 2, 3 भर के ऊपर भी जा सकता हूं, क्योंकि गैप ज्यादा है ही नहीं। आया सबको समझ में, इनफैक्ट पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है तो मैं ज्यादा एनर्जी खर्च क्यों करूंगा। अब देखो, अब सबसे पहले मान लो कि डी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सबको पता है T2G में टोटल 3 प्लेसेस होते हैं और ईजी में टोटल 2 प्लेसेस होते हैं। अभी तो देख के आए हो, ये देखो ये हमारे पास कौन सा है, ईजी, ये कौन सा है हमारे पास, T2G। अब वो करके दिखाता हूं, अब यहां पर 3 प्लेसेस, यहां पर 2 प्लेसेस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं आपको डी के अंदर, 1, तो भरो, कहां भरोगे, T2G। ओफबाउ ने क्या कहा था, ओफबाउ ने यह कहा था कि जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। आप बता दो इन दोनों में एनर्जी कम किसकी है, T2G की, तो T2G में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, बात खत्म। तो मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया,
एक इलेक्ट्रॉन भर दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भरना था, कॉन्फिगरेशन डी वन है तो एक इलेक्ट्रॉन भरना, तो मैंने भर दिया। अब बताओ कि यहां पर n, n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वन। और यहां पर पूछा मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, वन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है तो कितनी आएगी, टू। चेक करो क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो टू आएगी, ध्यान से देखना है, पहले ही निकाल चुके हैं। एस की वैल्यू रख दो यहां पे, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 तो कितना हो गया 2। नेचर कैसा है इसका, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, पैरा। अब आपके पास सवाल है कि क्रिस्टल फील्ड 6 डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी प्लस आपको माइनस का 4 डेल्टा नॉट इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। ये लो, यही करना था। अब आपने T2G में ही इलेक्ट्रॉन भरा है, एक ही इलेक्ट्रॉन भरा है तो कितना होगा, T2G मतलब नीचे इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो माइनस का 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 1। ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड एनर्जी आ गई। अब इससे आसान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये हार्ड है क्या, मुझे आप ये बता दो, क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए शक्तिमान बनने की जरूरत है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं अंतर्यामी हूं सब देख लेता हूं। आप मुझे बताओ कि क्या इसके लिए शक्तिमान बनने की जरूरत है क्या, क्या इसके लिए आपको सुपर पावर चाहिए क्या, इतनी सी चीज समझने के लिए। नहीं आए तो चलो मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार और, मतलब खूब सारे एग्जांपल हैं, समझ में आ गया। और ऐसे करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो कि सर हम शक्तिमान बन गए, आपको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया ना, मजा आएगा इस चीज में। तो चलो, तो अब मैं आपको D2 वाला भर के दिखाता हूं, सब लोग ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। चलो D2 वाला तो खुद ही भर लोगे, नहीं है तो चलो मैं भर के दिखा देता हूं। देखो D2 के केस में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, हुंड रूल को फॉलो करो, ये भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं। टोटल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, देखो 2 × 4 × 8 अंडर द रूट 8। स्पिन कितनी आएगी, टोटल हाफ प्लस हाफ, क्योंकि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मैं सीधे 1 भी लिख सकता था यहां पर, अब मतलब 1, यहां पर ये कितना हो गया 3। और ये नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक, खुद ही देख लो नेचर कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आया सबको समझ में। अब आप यहां पर एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ कितनी होगी, 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 2, बात खत्म। बच्चों के जैसा सवाल है, 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 2 यानी कि ऑब्वियसली माइनस का 0.8, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिखा है। चलो तो अभी समझ में आ गया ना सबको, अब मैं थोड़ा सा क्रिटिकल बनाते हैं इस चीज को। चलो D3 वाला तो आसान है, अगेन सेम ही होगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर देते हैं फटाफट से, 1, 2, 3 हुंड रूल फॉलो, क्या ईजी में जाएगा, नहीं। 3 हो गए यहां पर क्या लिखोगे, 3 + 2 = 5, 5 × 3 = 15 √15, ओके। यहां पर कितना आएगा, 3/2, सीधे लिख रहा हूं, यहां पर रखोगे तो 4, यहां पर रखोगे तो पैरा, और एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट इंटू 3। क्या ये हार्ड है, क्या इसके लिए शक्तिमान बनने की जरूरत है, नहीं है। अरे अरविंद अरोड़ा कर सकते हो तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो, मैं तो सबसे डफर टाइप का आदमी था, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 0.3। अब आते हैं D4। D4 के केस में मैंने आपसे कहा कि हुंड रूल फॉलो होगा, हुंड रूल क्या कहता है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दो। अब आप दिमाग लगाओ, हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहां पर पेरिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा नोट, तो पेयर करेंगे क्यों, जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो मैं पेयर क्यों करूं, मैं हुंड रूल को फॉलो करूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दूंगा, मैं ज्यादा पैसा क्यों खर्च करूं, सिंपल सी बात है। तो इस केस में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन भरो, 1, 2, 3, 4, ये मतलब है इसका, 1, 2, 3, 4, हुंड रूल फॉलो हो रहा है, सबको समझ में आ गया, नो पेयरिंग। जब पेयरिंग में इतना पैसा खर्च होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल्टा नॉट, में तो ऊपर चला जाऊंगा ना, पेयर क्यों करूंगा, भाड़ में जाए। आ रहा है समझ में, नाउ दिस इज, यू कैन सॉल्व लाइक दिस मैन, बहुत आसान है, बच्चों के जैसे है, पता नहीं क्यों घबराते हो। ओवरऑल यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, यहां पर कितना आएगा, अंडर द रूट रखो यहां पे, 4 + 2 = 6, यहां पर 6 × 24 = 24, ये लो आसान है, 24। यहां पर कितना आएगा, टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ यानी कि 2, और यहां पर कितना लिखोगे, 2 × 4 = 5, और सारे के सारे पैरा, लुक एट इट। और यहां पर एनर्जी देखो, अब ये एनर्जी वाला इंटरेस्टिंग है बहुत, माइनस का 0.4 ठीक है इंटू डेल्टा नॉट इंटू कितने है उसके अंदर, 3, और प्लस का 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू 1, ये लो। ये क्या हार्ड है क्या, खुद से सोचो, 3 यहां भरे, 1 यहां भरा है, तो 3
यानी कि माइनस का 0.4 इंटू डेल्टा नोट इंटू 3, और एक आपने ऊपर भरा तो प्लस का 0.6 इंटू डेल्टा नोट इंटू 1। क्या ये शक्तिमान बनने की जरूरत है क्या इसके लिए, बताओ मुझे, सबको समझ में आ गया क्या? मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, मैं जानता हूं जो जिनको पढ़ा रहा हूं, और उनकी रैंक बनेगी और वो डॉक्टर बन के दिखाएंगे। सबको समझ में आ गया? नहीं आया तो मेरे को बता देना भाई। ओवरऑल यहां पर चेक करो, ये माइनस का 0.4 इंटू 3, माइनस का 1.2, और प्लस का 0.6 आएगा, माइनस का 0.6 जो कि अभी दियासा बोस ने कैलकुलेट कर दिया, अभी बहुत लोगों ने किया है, विष्णु ने कर दिया, नेहा ने कर दिया है, और बहुत सारे लोग यहां पर लिख भी रहे हैं ना। पूनम गलत लिखा है बेटा, उसको माइनस का 1.8 नहीं आएगा, कैलकुलेट करो, माइनस का 0.4 इंटू 3 दैट इज माइनस का 1.2, ये प्लस का है, प्लस का 0.6, तो माइनस का 1.2 प्लस का 0.6 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो आएगा माइनस का 0.6। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग, कैलकुलेट कर लेना, मैथ वाला कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखो जरा ध्यान से, मजे की बात, D5 का निकालो, 1 2 3 4 5, पांच भरो, हिंड रूल, 1 2 3 4 5, यहां पर कितने होंगे, 5, यहां पर कितना आएगा, रख दो 5, 5 2 7 35 35। ओके, तो यहां पर कितना आएगा 5 के हिसाब से, 2.5 या 5/2, ठीक है, यहां पर कितना आएगा 6, यहां पर कितना आएगा पैरा, और यहां पर एनर्जी निकाल दो, 3 इसमें 2 इसमें, तो कितने हो गए, 0 एनर्जी हो गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, निकालो सब लोग इसकी एनर्जी निकालो, इसका कितना होगा, माइनस का 0.4 इंटू 3, माइनस का 1.2, प्लस का 0.6 इंटू 2, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 0। फोकस करो ध्यान से, नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, D5 के केस में एनर्जी ओवरऑल 0 आएगी। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये काफी बार सवाल पूछा गया है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो भाई। सबको समझ में आया एनर्जी 0 कैसे आई, शक्तिमान तो तुम हो ही, निकालो फटाफट से, इसका माइनस का 0.4 इंटू 3, 1.2 माइनस का, यहां पर प्लस का 0.6 इंटू 2, प्लस का 1.2, तो 0 आ गया। सबको समझ में आ गया, क्या बात है, मतलब चैंपियन हो गए वो सबके सब, तो इस तरह से निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, D6 आप खुद करना, चलो D6 करके दिखा देता हूं, D7 D8 खुद करोगे, D10 वाला करके दिखाऊंगा। अब देखो जरा ध्यान से, D6 वाला करके दिखा रहा हूं, जरा चेक करना, D6 में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरने, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5, ये तो आपकी जगहें हैं, ऑर्बिटल्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले इसमें भरा 1 2 3 4 5, हुंड रूल फॉलो होगा। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो अब पेयरिंग करवाओगे आप 6। नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, अब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे, पहले सबने आपने हुंड रूल के अकॉर्डिंग एक एक सबको दे दिया, 1 2 3 4 5, अब बचा एक, एक को आपने किस में डाल दिया, इसमें, सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सबको समझ में आ गया किस तरह से करते हैं, ये बहुत आसान है, सबको समझ में आ गया। अब आप निकालो इसके लिए, टोटल 6 भर दिए, अब बताओ यहां पर टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही है, 4 के हिसाब से कितना आएगा, √24। ओवरऑल स्पिन कितनी आएगी 4 के हिसाब से, वो तो सेम ही आएगी 2, और यहां पर कितना होगा 5, और ओवरऑल ये होगा पैरा। बहुत आसान है, निकाल के दिखा रहा हूं, बहुत आसान है, देखो। अब आप चेक करो एनर्जी कितनी होगी, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4, तो 0.4 माइनस का 0.4 इंटू 4 इंटू डेल्टा नोट, मैं सीधे लिख रहा हूं, ये हो गया माइनस का 1.6। ओके, आप कर लेना, और इसमें कितने भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस का 0.6 इंटू डेल्टा नोट इंटू 2, ये लो, तो ये हुआ माइनस का 1.6, ये हुआ प्लस का 1.2, तो कितना हुआ माइनस का 0.4, ठीक है, सबने लिख भी दिया है, बहुत बढ़िया। अब D7 वाला तुम खुद करोगे, D8 वाला खुद करोगे, D9 वाला भी खुद करोगे, लास्ट एक करके दिखा देता हूं, D10, ठीक है, ये तो कर लोगे, अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, अब तो कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, लिखो, अगर किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी के अभी, बताओ 3 कर लोगे ना, यस और नो में लिखो, हाँ पानी पी लो आराम से, खुशी, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ सबको आ जाएगा ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यस सर, लिखो यस सर, मुझे समझ में आ जाएगा, जिसका नो आएगा उसको वापस बता दूंगा, या वीडियो वापस देख लेना, बहुत बढ़िया, सबने बता दिया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं लास्ट वाले पे, D10, D10 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे, 10 भर दो, 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट, 0
स्पिन कितनी आएगी यहां पर? स्पिन जीरो। क्यों? क्योंकि कोई अनपढ़ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहां पर जीरो रखोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? वन। ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। ओवरऑल एनर्जी कैलकुलेट करो, ओवरऑल एनर्जी कितनी आएगी इसकी? चार, ये देखो, दो दो चार दो छह, 0.4 इंटू सिक्स माइनस का 2.4, और इसका कितना आएगा? चार, 0.4 इंटू सिक्स जीरो आएगा। सो आपको पांच वाले में जीरो मिलेगा और दस वाले में जीरो मिलेगा, और दस वाला तो कामयाब, मतलब लाजवाब है। देखो इसकी एन की वैल्यू जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, स्पिन भाई साहब जीरो, हम नहीं लाएंगे जीरो, स्पिन स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन, डायमैग्नेटिक, सीएफएसई जीरो, है ना मजेदार। तो फाइनली देखो D5 और D10 वाले की जो टोटल सीएफएसई है वो जीरो है। इसको ध्यान दो, सीएफएसई इसकी जीरो है। ये लो, ये है, अब आपके पास हो गया। मैं नहीं हूं जीरो, शाहरुख खान की मूवी का नाम जीरो, शाहरुख खान है जीरो नहीं, तो ओवरऑल आंसर आ गया। बस इतनी सी कहानी है, बच्चे डरते पता नहीं क्या है। ठीक है, जब अरविंद अरोड़ा कर सकता है तो तुम तो बड़े आसानी से कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। सबको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं है इसके अंदर, अब हो गया ये। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3। अब कोई पूरी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो उसका भी मेरे पास जुगाड़ है। चलो सो फाइनली अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने भरा उसको, टेबल वाइज जो भी हमने किया उसको मैं परफेक्टली टाइप्ड किया हुआ है। देखो चलो मैं इसको हटाता हूं। अब आप देखो टोटल आंसर क्या बनेगा, एक एक करके चेक करो सबके लिए, D1 D2 D3। अब आ जाओ एक एक करके सब लोग चेक कर लो, ये हैं एक्चुअल आंसर्स, D1 के केस में, D2 के केस में, D3 के केस में, D4 के केस में, D5 के केस में, D6 के केस में, D7 के केस में, D8 के केस में, D9 के केस में, D10 के केस में। सारी चीजें करवा दी मैंने, अपन ने अभी ये टेबल बनाई थी थोड़ी देर पहले। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कह रहा हूं बच्चों सिंपल सी चीज है, इस पे नोट डाउन करो यार। है माइनस का 0.4, माइनस का 0.8, पैटर्न देखो, माइनस का 0.4, माइनस का 0.8, माइनस का 1.2, फिर वापस से घटा, माइनस का 0.6, फिर 0, 0.4, 0.8, 1.2, 0.6, 0। ये देखो पैटर्न देखो रिपीट हो रहा है, पैटर्न देखो रिपीट हो रहा है, आ रहा है समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना ले लिया ना स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लो ले लो। चलो सो फाइनली यहां पर ये हो गया। सो ओवरऑल हमने यहां पर ऑक्टाइडल केस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वीक फील्ड के केस में देख लिया। लेकिन अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, यही अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो हुंड रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, दोबारा बोलता हूं ध्यान से समझना, अगर वीक फील्ड था तो हुंड रूल फॉलो कर रहा था, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो हुंड रूल को फॉलो नहीं करेगा। और अगर हुंड रूल फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब पेयरिंग चालू हो जाएगी पहले ही। चलो मैं बता देता हूं सब लोगों को, ध्यान से समझना है इसको, अभी क्लियर है ना सब लोगों को? तो चलो आगे चलते हैं। मान लो आगे देखो, एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग इन डिफरेंट फील्ड्स, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वीक फील्ड के केस में स्प्लिटिंग कम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ये हम देख चुके हैं। और मजे की बात, क्योंकि यहां पर स्प्लिटिंग कम है, ये वीक फील्ड वाला है, ये वीक फील्ड वाला है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि यहां स्प्लिटिंग कम है यानी कि डेल्टा नोट की वैल्यू क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। लेकिन इस केस में गैप बहुत ज्यादा है, यहां पर डेल्टा नोट का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होता है, ज्यादा होता तो इस केस में पेयरिंग हो जाती है बजाय ऊपर जंप मारने के, बस यही फर्क है। तो यहां पर तो हुंड रूल फॉलो होता है, यहां पर हुंड रूल फॉलो होगा, यहां पर हुंड रूल फॉलो नहीं होगा, नोट डाउन कर लो, लिखो सब लोग, यहां पर हुंड रूल फॉलो होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा होती है, यहां पर हुंड रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से कम होती है। सिंपल सी चीज है, चलो मैं आपको आपके इसके एग्जांपल बता देता हूं, नोट डाउन करो इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया सिंपल सी चीज है, बच्चों के जैसी है। चलो अब हम चलते हैं आगे, तो फटाफट से मैं आपको बताता हूं, बैरी सेंटर मैंने बता दिया, गैप मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही, ये प्लस का 0.6 है, माइनस का 0.4, ये प्लस का 0.6 है, माइनस का 0.4, बाकी डेल्टा नोट पे डिपेंड करेगा। अगर यहां पर वीक फील्ड है तो डेल्टा नोट की वैल्यू कम होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कैसी होगी वो चेक करते चलो। ठीक है, सो यहां देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डेल्टा नोट की वैल्यू पी से ज्यादा होती है, सो इट डज नॉट फॉलो हुंड रूल, लिखा हुआ है ऊपर, गौर करो, ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, SFL का मतलब
सलमान खान फिल्म नहीं है, SFL का मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और CFSE के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोड का वैल्यू P से ज्यादा होता है, इस केस में यहां पर हुंड रूल फॉलो नहीं होगा। इट्स रियली वेरी सिंपल, ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करने वाला। इस केस में भी फॉर्मूला सेम है जो आपने वहां लगाया था क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप के लिए, सेम फॉर्मूला है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था वीक फील्ड के लिए। तो यहां पर 0.6 इंटू डेल्टा नॉट इंटू ए, ए का मतलब ई जी, पॉइंट माइनस का 0.4 इंटू डेल्टा नॉट इंटू बी, दैट इज टी टू जी। इस तरह से आपको इसको करना है। ओके सो अब देखो, अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला भी करके देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हमारे पास एक टेबल बनाएंगे वैसी जैसे हमने पहले बनाई थी, कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेम ही है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 वाला आगे ले लेंगे। इसके लिए हमें टेबल, ये टेबल में सब कुछ भरना है, तो चलो भरते हैं फटाफट से, उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं। तो देखो सब लोग ध्यान देना, D1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। D1 का मतलब क्या है? यू हैव टू फिल ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है। सो एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो T2G में तो टोटल 3 गैप होते हैं, EG के अंदर 2 गैप होते हैं, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो भर दो, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 बाकी सारी सिमिलर होगा, कुछ फर्क नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। 1 के केस में कितना आएगा रूट का, ये देखो रूट 3 सही है। सो 1 + 2 √3 ठीक है। स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाफ, ये कितना होगा, ये होगा 2। नेचर कैसा होगा, पैरा, ये तो सारे सिमिलर है। और क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप कितनी होगी, माइनस का 4 × Δ0 × 1। ये लो सारी चीजें सेम है, 1 में तो चेंज होगी नहीं, 2 में भी चेंज नहीं होगी, 3 में भी चेंज नहीं होगी। कर लो, 2 के अंदर भी वही आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे इस तरह से, 2 यहां पर आएगा, यहां पर वैल्यू कितनी होगी √8, यहां पर कितनी होगी 2 के हिसाब से 1, यहां पर कितनी होगी 3, यहां पर क्या होगा पैरा, यहां कितना होगा 0.4 × 2 × Δ0। खत्म, सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां आएगा तो वो बताता हूं मैं आपको। D3 के केस में पकड़ो, D3 के केस में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भर दो फटाफट से, 1, 2, 3 सेम 3, यहां पर कितना होगा रूट का 15, यहां पर कितना होगा 1.5 यानी कि 3/2, यहां पर कितना होगा 4, यहां पर कितना होगा पैरा, यहां पर कितना होगा 0.4 × 3 × Δ0, सेम कोई फर्क नहीं है। अब आ जाते हैं D4। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है इसकी, D1, D2, D3 तक तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, आएगा D4 में फर्क, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा नोट की वैल्यू P से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, इतना ज्यादा एनर्जी गैप है कि वह ऊपर क्यों जाऊं, मैं पेयरिंग कर लूंगा ना, बात समझिए, इस चीज को समझिए, मैं पेयरिंग कर लूंगा, 1, 2, 3 भर दिए, चौथे के लिए मैं ऊपर क्यों जाऊं, क्यों एनर्जी खर्च करूं, मैं यहीं पे आ जाऊंगा ना, क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी कम है एज कंपेयर टू डेल्टा नोट, तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी D4 के केस में। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, देखो बस यहीं पे कमाल है, ओ 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं D4 का मतलब 1, 2, 3, तो ये 4। नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इस केस में यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन अब 2 ही बचे, बस यही फर्क है। सबको समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, समझ आ गया ना, दोबारा समझाऊं। नमस्ते नमस्ते सुमित जैन जी, बधाई हो, खुशी ने 2 कह दिया है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गया है, समझ में आ गया, इट्स रियली वेरी सिंपल। शीनम बिस्ला, शीनम कह रही है मेरा नाम ले दो, शीनम वेलकम। सो फाइनली यहां पर कितने होंगे, पेयरिंग हो गई, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 के हिसाब से ये कितना आएगा अंडर द रूट 8, 2 के हिसाब से ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 2 के हिसाब से ऑब्वियसली 3। ये क्या होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहां पे, तो क्या होगा पैरा, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब देखो टोटल 4 भरे आपने, तो ये कितना होगा 0.4 × 4, ये फर्क है टोटल। क्या ये हार्ड है, क्या ये हार्ड है बताओ मुझे, क्या ये ऐसी चीज है जो सिर्फ और सिर्फ बैटमैन समझ सकता है, हमारा शक्तिमान मुकेश खन्ना समझ सकता है, या है अमिताभ बच्चन समझ सकता है, भाई तुम सब समझ सकते हो, आ रहा है समझ में। नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, अब आ जाओ आगे, 5 इलेक्ट्रॉन भरो सब लोग, 5 आप खुद भरोगे, 6 भर के दिखा देता हूं मैं आपको, 5 तुम्हारा होमवर्क है, 6 भरो, हुंड रूल फॉलो नहीं करना आपको, 1, 2, 3, 4, 5 तो भरो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 इसी में आ गए, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें, 0, 0 तो यहां पर म्यू की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, एसएम की वैल्यू 1, ये कैसा होगा,
डाया, छह में डाया निकल के आ रहा है, और दो दो चार दो छह, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? माइनस का 2.4 डेल्टा नोट। ये लो, किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो। पांच वाला खुद से करोगे कुछ नहीं है, छह वाला मैंने आपको बता दिया। यहां पर छह वाला इंटरेस्टिंग था, सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है, बच्चों के जैसे। कोई कह रहा वापस बताओ, अरे बाबा रे बाबा, काय को पूछता तुम, चलो कोई नहीं बता देता हूं। देखो इधर, छह इलेक्ट्रॉन भरने हैं प्यारे बच्चों, और हमने कहा था हुंड रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी कम लग रही है, तो पेयरिंग कर दो, एक दो तीन चार पांच छह, हम आगे गए नहीं। क्यों नहीं गए हम यहां? क्योंकि यहां से यहां जाने में एनर्जी ज्यादा है, यही तो लिख रहा है वो यहां पे, खत्म हो गई कहानी। तो छह के हिसाब से ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए, म्यू की वैल्यू जीरो हो गई, एस की वैल्यू जीरो हो गई। एस का मतलब क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होता है, और ये 2s प्लस 1 में रखोगे तो 1 आएगा, ये डाया निकलेगा और ये उसकी एनर्जी हो गई। हाँ अनिल कह रहा है, अनिल मेरा नाम ले दो, सौरभ अनिल वेलकम यू ऑल। अभी बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ भाई। ये मनीषा बेन कविता, वापस बताओ बेटा, एक काम करना, मैंने दो बार बता दिया, अब भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार इसको वापस, मनीषा बेन कविता कवाथिया, मनीषा बेन कवाथिया, एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेना मेरे प्यारे बच्चे, सच्ची कह रहा हूं, कोई दसवीं का बच्चा होता तो उसको भी समझ में आ जाता। अभी तुम्हारे देखो, आप देखो मनीषा बेन क्या कर रही है, मनीषा बेन कंटिन्यूसली चैट पे फोकस है, वापस 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 वापस, कहीं तुम किसी कंपनी से तो नहीं हो? चलो वापस देख लेना, मैं आपको ये बता रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है? बहुत सिंपल है, इट्स रियली वेरी सिंपल, बच्चों के जैसा है। चलो अपन एग्जाम्पल और ले लेते हैं ना, मजाक कर रहा हूं, कभी बुरा मत मानना, ठीक है ना, मेरी आदत है मजाक करने की, पर एट द सेम टाइम बच्चों इट्स रियली वेरी सिंपल, अपन और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अब और समझ में आएगा। तो छह तक भर दिए हमने, अब हम आगे वाला देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3 4 5, सीरियसली इट्स रियली वेरी सिंपल। तो ये उसकी टेबल है, ओवरऑल टेबल भरना चाहो तो भर लो, 1 2 3 4 5 6 का ये रही टेबल जो हमने अभी बनाई थोड़ी देर पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, ये अभी बनाया है सब लोगों ने, अभी बनाया ना है सब लोगों ने, इसका बस प्रिंट आउट है, ले लो। अब हम चलते हैं आगे, अब भरते चलो, अभी मनीषा बेन ध्यान से देखना, अभी नया वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना, ठीक है? हाँ, तो अब देखते हैं अपन D6 D7 D8 D9 D10 इसका चेक करते हैं, ठीक है? मनीषा बेन ध्यान से देखना, मनीषा बेन मतलब मुझे नरेंद्र मोदी की याद आ गई, मतलब गुजरात से है क्या मनीषा बेन? वो गुजराती लोग मनीषा बेन लगाते हैं, इट्स रियली वेरी नाइस कल्चर, मैं बहुत मिस करता हूँ गुजरात के कल्चर को, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको ये बात, मैं सूरत में 4 साल रह के आया हूँ, तो वहाँ पे ना हर एक गुजराती की खास बात है कि गुजरात में हर एक फेस्टिवल को बहुत इंजॉय करते हैं, जो हर कहीं नहीं होता। वो लोग होली इंजॉय करते हैं, दिवाली इंजॉय करते हैं, वो लोग चाहे नवरात्रा इंजॉय करते हैं, बीच में कोई भी फेस्टिवल है, गणेश चतुर्थी इंजॉय करते हैं, शिवरात्रि इंजॉय करते हैं, मतलब मज़ेदार है। एंड आई लव द कल्चर ऑफ गुजरात, मैं वहाँ का अगर एटमॉस्फेयर बढ़िया होता, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, अगर एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा सुटेबल होता, गर्मी कम पड़ती, सच्ची बता रहा हूँ, मैं गुजरात में सेटल हो जाता, मैं छोड़ देता, सिर्फ गर्मी के चक्कर में छोड़ाया, ठीक है? नहीं नहीं, मनीषा बेन यही है, मनीषा बेन यही, कहीं नहीं गई, मनीषा बेन देख रही है, वो उसने लिखा है मैं अहमदाबाद से हूँ, बट आई रियली लाइक सूरत कल्चर, सच्ची बता रहा हूँ। अभी जैसे बोलते ढोकला ढोकलिया ढोकलिया क्या लिख रहे हो, ढोकला वोकला, बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती, मतलब तुम अगर खाना है ना, खाना गुजरात के खाने का मुकाबला नहीं है, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मतलब वहाँ जो चीज़ खाना मिलता है ना, वो अल्टीमेट होता है, और वहाँ का जो घरेलू फूड है, घरेलू मतलब वहाँ का जो स्लैंग फूड है, क्या बोलते हो उसको, घर का ही खाना, जैसे ढोकला हो गया, खमन हो गया, इदड़ा हो गया, उसका कोई जवाब ही नहीं है। जलेबी फाफड़ा वगैरह जो भी चीज़ मिलती है, अल्टीमेट, मतलब मुंह में पानी आ रहा है, मैं बस थोड़ा खत्म करके जाऊंगा, ठीक है? अब ध्यान दो, 6 7 8 9 10 इसको करते हैं फटाफट से, तो अब ध्यान देना यहां पर, और कर रहा हूं छठे वाला कर लिया, सातवा कर लेते हैं। चलो अब मैं सिर्फ इतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं, D7 वाला, छह वाला कर लिया, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, क्योंकि गैप ज्यादा पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग कर दो बात खत्म, सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं। तो सात के केस में पेयरिंग करो, हुंड रूल को फॉलो मत करना, 1 2 3 4 5, चलो सात इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 सारी पेयरिंग कर दी,
एक बच गया, अब जाएगा एक ऊपर। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, पेयरिंग करने के बाद जा रहे सारे के सारे अगर हो जाएं तो बस आगे चले जाओ, इतनी सी काम करनी है। यही डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। आप बताओ एन का वैल्यू कितना होगा? एक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ईजी में है। उसके बाद एन का वैल्यू वन है तो इसमें कितना आएगा? अंडर द रूट थ्री। एस में कितना आएगा? हाफ। 2s प्लस 1 में कितना आएगा? दैट इज ऑब्वियसली हाफ रख दो यहां पे, 2। नेचर क्या होगा? पैरा। अब यहां पर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप निकालो, देखो 6 भरे हैं माइनस के 4 में, तो माइनस का 2.4, ठीक है, मैं सीधे लिख रहा हूं इस बार, 6 चौके 24, माइनस का 2.4, एक भरा आपने वहां पे, प्लस का 0.6 इंटू क्या होगा? डेल्टा नोट। तो अगर पूछे यहां पर टोटल वैल्यू कितनी आई है, तो ये आ गई माइनस का 2.4 प्लस का 0.6 से कितना आएगा? माइनस का 1.8 डेल्टा नोट। इस तरह से निकालना है, सच्ची बता रहा हूं, मतलब कोई दसवीं का बच्चे को अगर एक बार बता दो ना कि ये ऐसे ऐसे करना है मेरे प्यारे बच्चे, दिमाग मत लगाओ, तो वो कर देगा, सारी टेबल बना देगा। सर पेयरिंग एनर्जी ऐड नहीं होगा, पेयरिंग एनर्जी ऐड कर सकते हो, कई बुक्स में ऐसा होता है कि पेयरिंग एनर्जी ऐड करते हैं, लेकिन बच्चों उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आप वही सेम फॉर्मूला यूज करो, बेवजह के आप उसमें घुस जाओगे ना ज्यादा डिटेलिंग में, ठीक है। अनिल शाह ने कहा रिपीट कर दो, ओ माय गॉड अनिल शाह बाबा, इट्स रियली वेरी सिंपल, रिपीट नहीं करेंगे अपन, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एग्जांपल जितने ज्यादा करेंगे उतने अपने वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान दो, D8 वाला चलते, चलो D8 के केस में आपको क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, भरो, इसमें पेयरिंग आपको पहले करनी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1, 2, 3, 4, 5, ये तो डी ऑर्बिटल्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन भरो, 1, 2, 3, पेयरिंग करो क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, मेरे को जहां फायदा मैं वो काम करूंगा, 4, 5, 6, मैं भी बनिया हूं, जहां पैसा कम खर्च होगा मैं वो काम करूंगा ना, पेयरिंग एनर्जी कम है तो मैं पेयरिंग करूंगा। अब 6 तो भर दिए, पीछे बचे 2, 7, 8, ये लो, बहुत आसान है, अब तो समझ में आ गया, अब कुछ नहीं है यहां पर, यहां पर 2 लिखूंगा, क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। यहां पर कितना आएगा? √8। यहां पर कितना आएगा? 1। यहां पर कितना आएगा? 3। यहां पर कितना आएगा? पैरा। अब एनर्जी निकालनी है, आपने 6 भरे किसके अंदर? T2G में, तो 6 into ये भी करके दिखाना पड़ेगा, ये लो माइनस का 0.4। 2 भरे आपने EG के अंदर, तो प्लस का 2 into 0.6, साथ में यहां लिखोगे डेल्टा नोट, तो 6 into माइनस का 0.4 कितना होता है? माइनस का 2.4। माइनस के 2.4 से प्लस का 1.2 चला गया, तो कितना आएगा यहां पर? आंसर आएगा 1.2 डेल्टा नोट, वो भी माइनस वाला। ये लो आंसर आ गया, क्या है इसके अंदर, अभी तो समझ में आ गया, बच्चों के जैसा है, मैं सच्ची बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, बच्चों के जैसा है, तुम्हारे जैसा, एकदम क्यूट सा, एकदम बढ़िया। चलो सबको समझ में आ गया ना, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, इट्स रियली वेरी सिंपल, ठीक है। दोबारा बताऊं, सही हो गया एकदम? दिक्कत क्या, SM में दिक्कत हो रही है? अरे SM तो कुछ नहीं है, ये S की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो SM का फॉर्मूला होता है 2S प्लस 1, S की वैल्यू उठा के रख दो, रखो, अरे S की वैल्यू उठा के रखो इसमें, अगर S की वैल्यू 1 है तो 1 रखो, 2 into 1 plus 1 कितना होता है? 3। इसमें क्या है भाई, SM का मतलब क्या होता है? 2S plus 1, S की वैल्यू उठा उठा के रखते जाओ बस। सबको समझ में आ गया, क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। सो अभी ये इस तरह से आंसर निकालने, अब इसकी टेबल आप लोग कुछ नहीं है पूरी कर लेना, अब मैं आपको दिखा देता हूं ओवरऑल, चलो टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले, मैंने सब करके दिखा दिया अभी, अभी मैं आप बताऊंगा नहीं करके, ठीक है। चलो फाइनली इसको खत्म कर देते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं। तो इस तरह से D6 का भरा जाएगा, D7 का ऐसे भरा जाएगा, भर लिया आपने पहले ही, D8 D9 D10, ये भर के दिखा चुका हूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सब तो बता चुका हूं, अब खुद से करके देखना। टेट्राहेड्रल वाला कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आज ऑक्टाहेड्रल की बारी थी, कल करेंगे टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है। कोई कह रहा डांस करके दिखाओ, कौन सा वाला? ऋतिक रोशन ये वाला करके दिखाऊं कौन सा? या फिर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वो तो वो धिंकचिका होता, वो तो जेब में आएगा ना, पैंट मेरी दिख नहीं रही है। अब तुम्हें ये भी भरोसा नहीं कि सर ने जींस पहन के रखा है कि नीचे, कई बार क्या होता है शूटिंग के टाइम में मैं निकर ही पहन के, अपना एक मेरा वो होता है घर पे बॉक्सर्स, वही पहन के शूटिंग कर रहा होता हूँ कई बार ऐसा होता है।
तो नीचे बॉक्सर पहन के रखा, ऊपर शर्ट पहनी हुई है। तो ऐसा कई बार होता है, इतना टाइम नहीं होता जाके लाइव लेता, पर अभी तो मैंने जींस पहन के रखी है ठीक है। तो वो धिंक चिका कर नहीं सकते, जींस में दिख नहीं रही है और ऊपर मैं कूद नहीं सकता हूं ऐसे ऐसे करके। चलो सो फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर हमारा ऑक्टाइटल वाला खत्म हो गया, अब हमें यहां पर क्या करना है, टेट्राइडल वाला जो कि कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काफी टाइम हो गया तो टेट्राइडल वाला कल करेंगे। अभी वन आर हमने पढ़ लिया और उसमें ऑक्टाइडल हमने खत्म कर लिया। टुमारो यानी कि कल किसी भी टाइम पे हम लोग टेट्राइडल स्टार्ट कर देंगे, समझ में आता है। और बराबर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की वीडियो या फिर कुछ रिवीजन के लिए हमेशा अपलोड होता है शाम को। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच, खुशहाल ने पहले ही कह दिया और बहुत लंबा टाइम पड़ा हुआ है बर्थडे आने में। तो चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। और ध्यान रखना इस वीडियो को, उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि भैया मेरी फेवरेट आईपीएल टीम, हमारी फेवरेट आईपीएल टीम है बैंगलोर क्योंकि हम बैंगलोर में रहते हैं ठीक है। सो जहां पर हो वहीं की फेवरेट बना लो, अच्छा ये रहता है। चलो सो फाइनली कल करेंगे इसको। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, इंजॉय योर सेशन एंड आई हैव रियली एंजॉयड अ लॉट। मुझे लाइव जाने में बहुत मजा आता है ना, लाइव पी आईपीएल का बुखार जरूर चढ़ा हुआ है मुझे पता है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इतनी सारी क्लासेस हो जाती हैं। चलो सो फाइनली लव यू ऑल, बाय गाइज। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, थैंक यू सो मच। एंड लाइव आने में वसीम, कल आएंगे बच्चे, कल आएंगे। चलो बाय, मिलते हैं कल।